शुरू हो जाता है, उसका बकायदा एक कार्ड बनता है, ऐसे ही आने वाले दौर में देख पाते हैं आप? देखिए नेहा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा और आपको ग्राउंड की रियलिटी बताऊं, क्योंकि मैंने अपने मेरे हॉस्पिटल में हजारों वैक्सीन दी हैं। इस वक्त प्रॉब्लम पेरेंट्स की वैक्सीनेशन को लेके एप्रीहेंशन नहीं है, पेरेंट्स नहीं डर रहे हैं, उनको मालूम है 16,000 वैक्सीनेशन दी जा चुकी हैं, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इस वक्त उनकी आतुरता और उनकी एंग्जाइटी है कि हमारे बच्चे को वैक्सीन लगे या हमारे परिजनों को वैक्सीन लगे। तो जहां तक वैक्सीन की एप्रीहेंशन है, वो काफी हद तक पेरेंट्स के अंदर इस वक्त नहीं है। उनकी आतुरता यही है कि कब आए और कब वैक्सीन लगा के हम बच्चों को उससे बचाव कर लें, क्योंकि मीडिया की वजह से या डॉक्टर्स की वजह से वो ऑलरेडी काउंसल्ड है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द जैब। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त भी जैसे ही हम बच्चे को डायग्नोज करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स जो है पूरा पुलंदा लेके आते हैं, तीसरे दिन अभी हुआ डिजीज को, एसिम्टोमेटिक डिजीज है, सीटी स्कैन भी हो रखा है, ब्लड टेस्ट भी हो रखे हैं, और वो पूछते हैं जी रेमडेसिविर कब देनी है। इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। अगर आप बच्चे का एक भी सीटी स्कैन करते हैं तो यू आर एक्सपोजिंग द चाइल्ड ऑन 300 एक्सरेज। ये बच्चे को आगे आने वाले टाइम में रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि कई बार ब्लड कैंसर तक हो सकता है। तो आप बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों के साथ में फिडल बिल्कुल ना करें। और अगर आपका बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल अच्छे से हिदायत देना चाहूंगा। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चों के अंदर, जो कि आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है जिसे हम MSIS कहते हैं, मल्टी सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। इट इज समथिंग लाइक कावासाकी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जब कोविड से बच्चा ठीक हो रहा है तो एकदम से रैशेज आ जाते हैं, मुंह के अंदर भी रैशेज आ जाते हैं, पूरी स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के अंदर भी एकदम लालिमा आ जाती है, ये कावासाकी डिजीज की तरह प्रेजेंट करता है। जब पिछली बार वेव आई थी तो हमने 3100 बच्चे लूज किए थे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज वर्ल्ड ओवर। तो ये भी एक बीमारी जो है दिमाग में रखनी चाहिए डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को भी। अगर कोविड से बच्चा रिकवर कर रहा है और उसके बाद इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये केवल बच्चे में होते हैं, ये स्पेसिफिकली बच्चे में होता है, ये बड़े में नहीं होती बीमारी, तो इस बीमारी का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। हम लोग इंट्रावीनस मेथाइलप्रेडनिसोन और बड़ी सारी चीजें हैं जो कि देके इसको कंट्रोल में कर लेते हैं, और समय रहते अगर हमें बताया जाए तो बच्चे की जान बचा सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज बताऊंगा, क्योंकि हमारी कोविड की इमरजेंसी में अक्सर पेशेंट्स आते हैं जब उनका SpO2 40 है, 50 है, तो मैं ये हिदायत देना चाहूंगा, 5 चीजें बताना चाहूंगा। अगर आपके बच्चे में ये 5 चीजें जब भी है और बच्चा कोविड से डायग्नोज है, यू रश टू द हॉस्पिटल। नंबर 1, अगर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है या पतली बहुत ज्यादा चल रही है, छाती में दर्द हो रहा है। नंबर 2, अगर उसका फीवर हाई ग्रेड चल रहा है, स्पेशली इवन आफ्टर 5 डेज ऑफ इलनेस, तो आप हॉस्पिटल जाइए और उसका प्रॉपर चेकअप कराइए। अगर उसकी ऑक्सीजन डाउन हो रही है, स्पेशली बिलो 94 हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जाइए। अगर बच्चा सुस्त है, ड्राउजी है या किसी तरह की इसको खुमारी आ रही है, तो आप हॉस्पिटल जाइए। नेहा जी, बेसिकली ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑन वन साइड वी हैव टू सी कि कोई भी ओवर रिएक्ट ना करके बच्चों का बिना